खंडवा के आदिवासी क्षेत्र खालवा में आज के दौर में भी अंधविश्वास पर विश्वास किया जाता है। इसका एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इलाज के नाम पर बच्चों को गर्म सलाखों से दागा गया और जिंदगी को दांव पर लगा दिया गया। आप पेट पर गर्म सलाखों के दाग देख सकते हैं। बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इनमें एक 7 माह का बच्चा है जिसे निमोनिया होने पर पड़ियाल से गर्म सलाख से चाचू लगाया, तो दूसरी 1 साल की बच्ची को उल्टी दस्त होने पर घर पर ही बुजुर्ग ने चाचू लगाया था। बच्ची के स्वास्थ्य में तो काफी सुधार है, लेकिन बच्चे को इंदौर रेफर किया गया है। सर उल्टी दस्त था उसको, उल्टी दस्त था और उल्टी दस्त डॉक्टर को बताया था, पाउडर लगाया था, उससे ठीक हुआ सर। और फिर उसके बाद पेट सांस लेने दिक्कत कर रहा था, तो सर सांस लेने दिक्कत कर रहा था तो फिर खालवा ले आया, फिर खालवा सर यहाँ आया और बच्चे में वो क्या आते हैं वो लगाया सर, वो दादी ने लगाया था सर। फर्क कुछ नहीं पड़ा, थोड़ा वो तो आराम मिला, वो बच्चा है वो नहीं बोल पाता वो सर, कोई दादी उन बता देता, नाना नानी उन, ऐसा कोई बुजुर्ग लोग बताता है सर। लोग डॉक्टरी इलाज के बजाय अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं। 7 माह का बच्चा आदिवासी क्षेत्र खालवा के चिमईपुर गांव का रहने वाला है, जिसे निमोनिया होने पर लोगों के कहने पर परिजन पड़ियाल झाड़फूक वाले के पास ले गए, जहां गर्म लोहे की रॉड से बच्चे के पेट को दागा गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि भर्ती बच्चे को इंदौर रेफर किया गया है। बच्चे को निमोनिया के साथ किडनी की समस्या है, जबकि बालिका की तबीयत में काफी सुधार है। जी, हमारे जो शिशु रोग वार्ड है वहाँ पे PICU है, उस PICU में 2 बच्चे आए हैं खालवा क्षेत्र से, जो कि आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ से 2 बच्चे आए हैं। एक बच्चा है 7 महीने का जिसका नाम है आयुष, वो आया था निमोनिया की शिकायत से, पर जांच करने में हमने पाया कि उसके पेट में काफ़ी सारे निशान हैं जलाए हुए से, जिनको कि चाचुआ कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा जो हमारा एक बच्ची और है, उसका नाम है दीपाली, उसकी उम्र है 1 साल, वो दस्त उल्टी से आई थी, उसके भी पेट में बहुत सारे 15-20-30 कम से कम निशान बने हुए हैं जलाए हुए गर्म सरिये से। बच्ची में सुधार है, दस्त वाली जो बच्ची आई है दीपाली, उसमें काफ़ी सुधार है, किंतु जो आयुष जो 7 महीने का बच्चा है, उसके गुर्दे में भी काफ़ी तकलीफें आई हैं, क्रिएटिनिन काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसलिए हमें उसे इंदौर रेफर करना पड़ रहा है। गौर करने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, बावजूद इस तरह के अंधविश्वास के मामले सामने आ रहे हैं। लिहाजा लोगों को समझने की जरूरत है कि आज के दौर में बेकार के चक्कर में न पड़कर डॉक्टरी इलाज करवाएं और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करें। पंजाब केसरी TV के लिए खंडवा से निषाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।